पूरी करो, पूरी करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मणिपुर की घटना को लेकर पटना वुमेन्स की जो लड़कियां हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक पीडब्ल्यूसी के बाहर गेटों पर। हम इन्हीं से जुड़ेंगे। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि मणिपुर में जो हादसा हुआ है उसके वो बहुत ही दर्दनाक है, उन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए जिनके साथ हुआ है, इसलिए हम लोग ये नारा लगा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से मणिपुर में हिंसक हुई, महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आई थिंक ये सब बहुत ज़्यादा गलत है और इसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। जो मतलब मणिपुर में हुआ उससे मतलब कोई भी लड़की बहुत डर जाएगी और वो आगे कभी भी बढ़ने के लिए तो सोचेगी ही नहीं जो भी वहाँ पे हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट को लड़कियों के थ्रू बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा वहाँ की सरकार को, जिस तरह से मणिपुर में जो घटना हो रही है, सरकार को क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए वहाँ? सरकार को तो एक्शन बहुत पहले ही ले लेना चाहिए, सरकार ने तो बहुत लेट कर दिया हम लोग को। मतलब हम लोग को तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाया कि मणिपुर में ऐसा कोई घटना भी घटा है। ये घटना 4 मई की है लेकिन हम लोग को पता अब चला है। भारत में बोला जाता है कि नारी की पूजा करते हैं लेकिन यहाँ नारी की पूजा क्या है, यहाँ नारी की तो कोई इज्जत तक नहीं है। हम लोग सोचते थे कि भारत में नारी का ज्यादा वैल्यू है लेकिन यहाँ तो वैल्यू क्या, यहाँ तो कुछ भी मतलब सुरक्षा है ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ से रहेगा। हम दिन बाद खबरों का जानना कि लग रहा है वहाँ पर जो जिस तरह से नेट बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया को उपयोग नहीं किया जा रहा, तो कहीं कहीं सरकार वहाँ के लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि सरकार ने ही दबाव बनाया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचता। चलिए, तो देख रहे हैं कि तमाम जो लड़कियाँ हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की, वो आज मणिपुर घटना को लेकर सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर कर रही है कि यहाँ पर महिला और लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोग सोचते थे कि भारत में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बावजूद यहाँ पर जो सरकार है वो काम नहीं कर रही, इसके खिलाफ वो आज तमाम पीडब्ल्यूसी के जो लड़कियां हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि हाथों में आप लोग मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसके लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ कहिएगा वहाँ की सरकार को? वहाँ की सरकार की ये नाकामयाबी है और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को शर्म करना चाहिए। ये जो चीज़ अभी घटित हुई है मणिपुर में, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना कि ये चीज़ें सामान्य हैं, ये चीज़ें कोई सामान्य नहीं है सर। आप देखिएगा कि अगर आपके साथ ये पर्सनली होता है, जब आपके घर में किसी के साथ होता है, तो आपको किस तरीके का फर्क पड़ेगा। भले ये घटना मणिपुर की है लेकिन हम बिहार के हैं, बिहार में हमारा जन्म हुआ है, पले बड़े हैं बिहार में, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हमारी बहन के साथ ये कर रहा है, इससे हमें हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और ये पहले भी होता आ रहा है, लेकिन मेरा ये सवाल है सरकार से कि ये बंद कब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहिएगा, जिस तरह से वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देते हैं और इस तरह के घटनाओं पर काम हो सके? प्रधानमंत्री मोदी जी से ऐसा कोई शिकायत नहीं है मेरा, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका अभी ये प्रॉब्लम था कि वो विदेश यात्रा पे गए थे, यूएसए गए थे, इजिप्ट गए थे, फ्रांस गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं बिल्कुल उनको मणिपुर में जो भी एथनिक प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे उनका कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे उनका कंसर्न नहीं है। तो आपने सुना तमाम जो पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियाँ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो घटना मणिपुर में ही है वो सरकार इस पर एक्शन ले। और जिस तरह से कहें तो उनका प्रधानमंत्री से जब सवाल किया गया कि नरेंद्र मोदी को क्या कुछ कहिएगा इस घटना पर खामोश है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ, नरेंद्र मोदी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वो जो मणिपुर में घटना हुई है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।